इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा मामले में हरियाणा सरकार को झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन जैन परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो विधायक की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कुछ दिन पहले अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। इसलिए लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। संघर्षों की राह पर तू सत्य है, तू त्याग है, तू ही युवा का राग है, तू है निडर, तू है सबल, जगा दे अलख वो तू आग है, तू जीत है, तू करार है, करे सबको चित वो प्रहार है, तू संघर्षों की राह पर तू सत्य है, तू सरकार की तरफ से फिर बाद में यह कहा गया कि वो कुछ एग्री कर रहे हैं, परंतु उस नंबर के ऊपर भी ऑनरेबल हाईकोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपको जो सिक्योरिटी के नंबर जितने प्रोवाइड किए गए इससे और बढ़ा के आपको सिक्योरिटी कवर देने होंगे। तो जब वो नहीं मान रहे थे तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमारी दलील को माना कि ना तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना कोई इंटरोगेशन हुई है, ना किसी फाइनल उसके ऊपर आप पहुँचे हो। तो जो पिछले दिनों 4 पुलिस पर्सनल अभय सिंह चौटाला जी को प्रोवाइड किए गए थे उनको विड्रा करने का सरकार के पास कोई सॉलिड रीजन नहीं था। तो हमारी दलील को मानते हुए हरियाणा सरकार को डायरेक्शन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने की कि आपको अभय सिंह चौटाला जी को जो एट प्रेजेंट जितने सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है उसके अंदर एडिशनल सिक्योरिटी कवर और बढ़ाया जाए। और यह कहते सरकार तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं राजकुमार। राजकुमार, हाईकोर्ट ने सरकार को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है, तो ऐसे में क्या लगता है, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह के इनेलो के विधायक अजय चौटाला जो जन यात्रा चल रही है पूरे हरियाणा के अंदर जा रहे हैं, उनको पीछे भी एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसको लेकर हरियाणा के डीजीपी को उन्होंने एक पत्र लिखा था अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए। पर कहीं ना कहीं उनकी जो पत्र था उनको अनदेखा किया गया और उन्होंने 3 अगस्त को हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आज फैसला सुना दिया कि उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए। तो क्या हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद राज्य केंद्र सरकार से चौटाला के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर सकती है? जी बिल्कुल, मतलब जैसे हाईकोर्ट के आदेश है कि मतलब कि जो अजय चौटाला है उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए, जिस तरह से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, यात्रा उनकी हरियाणा के बीच में चल रही है। जी राजकुमार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।